हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टाटा सोलर सिस्टम में। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टाटा सोलर सिस्टम। आज हम इस जिस साइड पे है वहाँ पर हम 3 HP का सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। उनका मतलब 6 पैनल इस पर रहेंगे और 6 उस पर रहेंगे 12 पैनल। और इसका स्ट्रक्चर जो अभी हम पैनल और स्ट्रक्चर लगा कर आपको मोटर चला कर दिखाएंगे। इसके अंदर जो मोटर है वो DC 3 HP की मोटर है और इनके अंदर ड्राइव है वो INVT की ड्राइव है। तो हम इंस्टॉलेशन का पूरा वीडियो आपको बताएंगे और आपको मोटर चला के दिखाएंगे। तो अभी हम काम स्टार्ट करते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। है हम आपको ये INVT के DC पैरामीटर के बारे में बताएंगे। जो 3 HP की DC मोटर चलानी है हमें, तो उसके लिए हमें कौन सा पैरामीटर डालना पड़ेगा, फुल पैरामीटर की जानकारी देंगे। यहाँ पर ये शो हो रहा है डिस्प्ले और AC का कीपैड है, और हम आज DC पैरामीटर आपको फुल DC पैरामीटर भर के बताएंगे। ये 3 HP की ड्राइव है INVT की, हेरमेस टेक्नोलॉजी की ड्राइव है ये, GIDDC गांधीनगर गुजरात। तो ये गुजरात की ड्राइव है, इसका DC का पैरामीटर हम आपको डालकर बताएंगे। 3 HP की 12 पैनल लगे हुए हैं इसके अंदर, और आप DC मोटर होती है वो चला के दिखाएंगे आपको। सबसे पहले आप इसको रीसेट करना है, P00 के इंटर करने के बाद में यहाँ पे हमें 0.18 करना है। 18 करके डाटा इंटर करेंगे, यहाँ पे 0 होगा, 1 सेट करके हमें डाटा इंटर कर देना। अब हमारे एक बार और चेक कर लेना है कि हमारा हो गया कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे कोई सा भी देख लेंगे, जैसे कि रीसेट हो गया, ठीक है। रीसेट करने के बाद में अब ये रीसेट हो गया, हम P00 के अंदर आ जाएंगे। P00 में डाटा इंटर करना है। डाटा इंटर करने के बाद में यहाँ पे 0.03 करना है और डाटा इंटर करना है। यहाँ पे 50 फ्रीक्वेंसी होगी, तो हमें यहाँ पर 110 करनी है फ्रीक्वेंसी। शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर यहाँ पे हम 1 कर देंगे, 110 फ्रीक्वेंसी हो गई, डाटा इंटर कर देंगे। 4 के अंदर भी हमें यहाँ पे 110 कर देना है, 110 करके डाटा इंटर कर देना है। अब हम P00 के 10 के अंदर, जैसे हम 10 के अंदर डाटा इंटर करते हैं तो यहाँ पर भी हमें 50 होगी, यहाँ पे भी 110 कर देंगे और डाटा इंटर कर देना है। अब हमें यहाँ पर 11 के अंदर हमारे जो एक्सीलेशन टाइम, जो मोटर स्टार्ट होने का टाइम है वो यहाँ पर सेट कर देंगे। 20 सेकंड में हमारी मोटर है जो फुल RPM तक चले जाएंगे, डाटा इंटर कर देंगे। 12 के अंदर हम यहाँ पर 12 के अंदर भी हम यहाँ पर 20 कर देंगे और डाटा इंटर कर देंगे। 13 में कुछ भी नहीं करना। 14 के अंदर यहाँ पे हमें 8 है, यहाँ पे 2 कर देना है, 2 करके डाटा इंटर कर देना है, ठीक है। 15 के अंदर नहीं, अब P01 करना है और डाटा इंटर करना है। इसके अंदर हमें 8 करना है, 8 के अंदर हम जैसे डाटा इंटर करेंगे यहाँ पर 0 होगा, तो आपको 1 कर देना है, 1 है। P018 करना है, P01 के 18 के अंदर हम डाटा इंटर करेंगे, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 कर देना है। फिर यहाँ पर 21 करना है, 21 के अंदर डाटा इंटर करेंगे, यहाँ पर 1 करके डाटा इंटर कर देंगे, 22 को नहीं। अब P02 के अंदर देखेंगे, यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब हमें P29 की सेटिंग करनी है। P29
के अंदर डाटा इंटर करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड लगा होगा तो यहाँ पे पासवर्ड ओपन कर लेना, यहाँ पे होगा 40721। हम यहाँ पे डाटा इंटर कर देंगे तो हमारा ये 29 वाला पैरामीटर अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पर एक के अंदर जीरो करना है, जीरो ही रहने देना। दो के अंदर यहाँ पे चार, तीन के अंदर चार, चार के अंदर 220, पाँच के अंदर 16 एम्पियर, 6 के अंदर 3.2, इसके अंदर 410, 7 के अंदर 8 के अंदर 80, 9 के अंदर 220। वैसे हमारे ये 29 वाला है, में कुछ भी भरने के काम नहीं, पहले हम यहाँ पे कर दिया तो हो गया। अब हमें जो सेटिंग करनी है वो P015 करना है, P015। पहले P02 के अंदर देख लेते हैं, P021, P02 के 00 के अंदर एक है, डाटा इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे 15 आ गया, 15 के अंदर हमें ये चार कर देना है, 16 के अंदर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 110 कर दें, 17 के अंदर यहाँ पे 2 रहने देना, 18 के अंदर यहाँ पे 160 कर देना, 19 के अंदर यहाँ 16 एम्पियर, और 20 के अंदर यहाँ पे 1.142 करना। ठीक है, अब हमें P4 के अंदर जाना है, बैक कर देना है, या P4 कर देना है, P04 के अंदर डाटा इंटर, 00 के अंदर 0। अब यहाँ पे P11 करना है, P11 के अंदर 1 करना है और यहाँ पे डाटा इंटर करना है। यहाँ पे पीछे ऐसी होगा, लेकिन यहाँ पर हमें करना है 58। डाटा इंटर कर देना, 2 के अंदर कुछ भी नहीं। ठीक है, अब हमें P25 के अंदर जाना है, P25 के अंदर हम यहाँ पे इंटर करेंगे 00, 00 के अंदर यहाँ पे 1 करेंगे, और 1 के अंदर हम 1 रखेंगे, और 2 के अंदर 530 है, यहाँ पे हमें 130 करना है, डाटा इंटर कर देना। और अब हम यहाँ पे 23 करना है, P25 23, P25 23 के अंदर यहाँ पे 450 होगा तो यहाँ पे हमें 160 कर देना है। और अपने मोटर के हिसाब से कितने वोल्टेज की मोटर है, अभी हमारी जो मोटर है 160 वोल्टेज लेगी, तो उसी हिसाब से 24 के अंदर हमें यहाँ पे 210 कर देना है, जो हमारा डीसी वोल्टेज मिलेगा वो हमें 210 मिलेगा। अब यहाँ पर 28 करना है, 28 के अंदर हम डाटा इंटर करेंगे, यहाँ पे गड़बड़ होगी, यहाँ पे भी हमें 210 कर देना है। ठीक है, अभी डाटा इंटर कर देंगे यहाँ पे। अब हमारा पैरामीटर रेडी हो गया है, एक बार हम यहाँ पे रन करके देंगे। सो वोल्टेज जा रहे हैं, अभी मोटर चल गई है, पानी आ चुका है, 5 एम्पियर का लोड ले रही है मोटर, और 2000 RPM पे अपनी मोटर चल रही है अभी इस टाइम। अभी शाम के बज रहे हैं,
5, और हमने अभी डीसी पैरामीटर सेट कर दिया है इसके अंदर। ये जो मोटर है वो इसका आरपीएम है 3300 आर। अब आप देखोगे ये 3300 आरपीएम की मोटर है, और ये जो वोल्टेज लेगी अभी, जो अभी वोल्टेज ले रही है मोटर, वो 107.8 वोल्टेज जा रहे हैं मोटर के अंदर। शाम के 5 बज रहे हैं अभी। अब हम इसका पानी दिखाएंगे अभी आपको। 5.1 का लोड है इसका, 2000 आरपीएम है इसका, 22 फ्रिक्वेंसी मिल रही है मोटर को, 30 से 32 की फ्रिक्वेंसी आ रही है, 68 फ्रिक्वेंसी 68 जा रही है। हम जी यहाँ पर डीसी के जो पैरामीटर सेट करते हैं उसके अंदर ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें जो हमारा पैनल है वो 2 सीरीज में कनेक्ट कर देना है। 2 सीरीज के अंदर हम कनेक्ट करेंगे तो हमारी जो ड्राइव होगी वो जो डीसी के लिए तैयार हो जाएगी। अभी बहुत बार क्या होता है, अभी हम आपको पानी दिखा देते हैं मोटर।